मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पीछे आए तो मैं पुलिस लेकर आ जाऊंगी। अरे क्या हुआ अचानक, कहाँ चल दी? कुछ नहीं मम्मी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो मुंह बना के अपने मायके जा रही है। क्या हुआ बेटा, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो पति पत्नी में होते रहते हैं, इसमें इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? हंगामा? मम्मी जी आपको ये हंगामा लग रहा है? आपके इस लाडले बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया है। तो क्या हो गया, इसमें इतना बतंगड़ बनाने वाली क्या बात है? बतंगड़? मैं बतंगड़ बना रही हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अरे बस करो तुम दोनों, मुझे क्या जरूरत थी उसको थप्पड़ मारने की? और तुम, पति ने जरा सी बात पर डांट दिया तो इतना बड़ा हंगामा। पति है वो तेरा, क्या उसका इतना भी हक नहीं है तुझ पे? मम्मी जी हक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी बीवी पर हाथ उठा सकते हो। आखिर क्या सिखाया आपने इसको? बस मम्मी के सामने बदतमीजी नहीं, फौरन माफी मांगो। रहने दे बेटा, गलती हमसे ही हुई है बहू चुनने में। इसके घर वाले तो लगते ही तेज तर आ रहे हैं, चलाकी तो इनके चेहरे से झलकती है। मम्मी जी मैं अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी, आप उनको कुछ मत कहिए। क्यों ना बोलूं, इतनी सी बात पर हंगामा खड़ा कर दिया। इसके पापा ने भी झगड़े में कई बार मेरे पे हाथ उठाया है, मैं क्या घर छोड़कर चली गई? पूछ जरा इससे, ये सामने की बात है, 15 साल का था ये, मैंने उनको जरा सा कुछ बोल दिया तो वो बस भड़क जाते और उनके गुस्से के आगे मैं कभी नहीं जीत पाई। मम्मी जी मुझे तो हैरानी होती है कि आप खुद इतना सब कुछ सहने के बाद अपने बेटे को उसी बात पे कैसे डिफेंड कर सकती हैं? तो क्या आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी तरह चुप रहूं और इस हाथ उठाने वाली बात को नॉर्मल समझती रहूं? मेरा वो मतलब नहीं है बेटा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि घर की बात घर में रहे। तो मम्मी जी आपके लिए क्या आपके मोहल्ले में आपकी इज्जत, आपकी इमेज सब कुछ है? घर में चाहे कुछ भी होता रहे। देखो मैं मान रहा हूँ कि मुझसे आज पहली बार गलती हो गई। प्रतीक ये तुम्हारी दूसरी गलती है, पहली गलती तुमने तब की थी जब अपनी माँ को मार खाते हुए देखकर भी तुम चुप रहे। और मैं एक ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती जहाँ बेटा एक गलती करता हो और माँ उसको बढ़ावा देती हो। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। बहू रुक जाओ बेटा, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाई, आजकल की लड़कियों की तरह हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम इन चीजों के खिलाफ आवाज उठा पाए। आवाज उठाते भी तो जाते कहाँ, रहना तो यही था ना। लेकिन मम्मी जी ये तो आप भी जानती है ना कि जो आपने सहा वो गलत था, तो आप उसी चीज को बढ़ावा कैसे दे सकती हैं? आपको तो ये अच्छे से पता होगा ना कि आपके बेटे की इस हरकत ने मुझे कितनी ठेस पहुंचाई है। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं गुस्से में पता नहीं तुझे क्या क्या कह बैठी। प्रेरणा मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अब जो हुआ उसको मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये दोबारा हुआ तो मैं ये पति पत्नी का रिश्ता भूलकर तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी।